हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करने वाली हूँ ना, जिसको मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बाद में चूज़ किया। क्यों किया वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी कि क्यों किया। मैं इसको ना बहुत अवॉइड किया करती थी पहले, बट फिर मुझे लगा कि यार कब तक इसको तू इग्नोर करेगी, है ना, इसकी पावर भी तो तेरे को देखनी है। फिर मैंने इसको जब फाइनली ट्राई किया तो इसके जो रिजल्ट थे ना वो एकदम शॉकिंग थे। उसने मेरे को शॉक्ड करके रख दिया, क्योंकि मैं इस टेक्निक को कर ही रही थी और मैंने एम किया था कि मैं इसको 30 डेज तक करूँगी, और वो जो मेरी विश थी वो विद इन 7 डेज कंप्लीट हो गई, वो पूरी हो गई। अब मैं आप लोगों के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपकी भी 7 डेज में 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। मेरा जो फास्टेस्ट रिजल्ट जो मुझे पर्सनली मिला था वो था 4 डेज का। ये अब आपकी वाइब्रेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी अपनी विश को लिखते के साथ लेट गो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी से आप इसको कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, पूरे दिन में आपके थॉट्स उसको लेकर कितने चल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, छोटे से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि एकदम से ही आप कुछ बड़ा मांग लो, छोटे छोटे बेबी स्टेप से आप आगे बढ़ना, तो आपको जो टेक्निक है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है और मिराकुलस रिजल्ट देने वाली, क्योंकि मैंने पर्सनली करा है और उसी के अकॉर्डिंगली ही मैं आपको बता रही हूँ, राइट। तो इसको अब करना कैसे है, तो ये जो टेक्निक है ये है निकोला टेस्ला टेक्निक। यस, इसे हम 369 भी बोलते हैं। 369 एक डिवाइन नंबर है, पावरफुल नंबर है। ये जो नंबर है ना, इसकी अलग ही कुछ पावर है। ये जो टेक्निक है 30, 60 and 90 डेज तक चलती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस टेक्निक को 30 डेज करना चाहते हैं, 60 डेज करना चाहते हैं या 90 डेज करना चाहते हैं, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पहले इसको 30 डेज से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप इसको 30 डेज कर लो, फिर अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार मेरे को अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, मैं अभी भी लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या मेरे को अभी भी ये फीलिंग है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप इतने श्योर नहीं हुए कि वो चीज़ आपके पास है, तो इसको 60 डेज लेके जाओ। 60 डेज पर भी अगर ऐसा यही सेम फीलिंग आ रही है तो इसको 90 डेज तक लेके जाओ। अगर आपको 30 डेज पे ही ये लग रहा है ना कि यस आई हैव दिस, मेरे पास ये है, तो आप इसको वहीं पे ही स्टॉप कर सकते हो। सारी चीज़ें जो हैं आपके ऊपर होंगी, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, इसको ना दिन में 3 बार लिखना होता है, तो इसी वजह से जो था मैं इसको अवॉइड करती जा रही थी कि यार एक तो 30 डेज तक करना है, 30 डेज तक करना है, 60 डेज तक करना है, 90 डेज तक की ये जो है टेक्निक है। साथ में इस टेक्निक को हमें दिन में 3 बार लिखना है, यस, इसी वजह से मैं इस टेक्निक को अवॉइड करती थी। बट फिर मैंने ट्राई तो करना ही था, फिर मैंने इसको ट्राई किया और जो मेरे को फास्टेस्ट रिजल्ट मिला था ना उसने मेरे को शॉक्ड करके रख दिया था, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो अब इसको करना कैसे है पूरे दिन में, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 30, 60, 90 डेज तक करना है, राइट। अब क्या करना है, आपको सुबह 3 बार अपने विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, 6 टाइम्स आपको लिखना है दोपहर में, और रात में आपको सोने से पहले या रात का जब भी आपको टाइम कंफर्टेबल फील हो आपको लिखनी है वही सेम विश, 9 बार आपको वो सेम विश लिखनी है। याद रखे, एक बार में आपको एक ही विश को टच करना है, एक बार में 10-15 विशेज नहीं लेनी है, एक बार में सिर्फ आपको एक ही विश लेनी है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास ये बुक है, ठीक है, कोई भी बुक का नाम हो सकता है, मेरे पास ये बुक है। आपने सुबह 3 बार लिखा, फिर दोपहर में मेरे पास ये बुक है इसको 6 बार लिखा, और रात में आपने इसी सेंटेंस को 9 बार लिखा, ठीक है। तो अभी सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार क्यों कहा गया है, तो इसका सिंपल सा आंसर बस यही है, सुबह हमारे जो थॉट्स हैं वो बहुत कम होते हैं, हमारे जो थॉट्स का फ्लो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड थोड़ी सी बात को भी आसानी से कैच कर लेता है। दोपहर में हमारे थॉट्स का फ्लो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इसको 6 बार लिखना है, और रात को आते आते हमारे जो थॉट्स का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमें आज के दिन की टेंशन रहती है कि हमने आज क्या क्या किया, कल का दिन होने वाला है उसकी भी हमें टेंशन रहती है, उसके भी उससे रिलेटेड भी हमें थॉट्स चल रहे होते हैं कि कल हमको ये काम है वो काम है, तो इस वजह से हमने इसको 9 टाइम्स लिखना है रात में, ठीक है। तो ये कुछ था इस टेक्निक के बारे में।
में, टेक्निक करते टाइम एक बात का ध्यान रखिए, इसको जब भी करिए अकेले में करिए, मतलब आपको शांति होगा, आप और आपका जर्नल होना चाहिए। और इसको करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं रेड या ग्रीन पेन, ये बहुत ही ज़्यादा यू नो पावरफुल कलर्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अवॉइड करिएगा ब्लैक पेन को, क्योंकि ब्लैक पेन मैं हमेशा आपको अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी को शो करते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। और अगर आपको इस टेक्निक से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ डू आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट। अब मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में बता देती हूँ, 30, 60, 90 डेज तक की टेक्निक चलने वाली है, चॉइस आपकी है आप इसको कब तक लेके जाना चाहते हैं। 3 times मॉर्निंग में, 6 times दोपहर में और 9 times आपको रात में लिखना है। रेड और ग्रीन पेन से आप लिख सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप इसको लिखिएगा, फीलिंग्स के साथ लिखिएगा। ये कुछ था आज की इस वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।